बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 24 जून को देहरादून पहुंच रहे हैं। अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान शाह संगठन की गतिविधियों और सरकार की नीतियों, घोषणाओं और उन पर किए गए कामों की समीक्षा करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अमित शाह के दौरे को बेहद महत्वपूर्ण और उत्साहित करने वाला बताया। राजधानी दून के FRI में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल आयोजन के बाद सूबे के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत बेहद खुश है। वो न सिर्फ अपने अधिकारियों की पीठ थपथपा रहे हैं, बल्कि उन लोगों का भी आभार व्यक्त कर रही हैं, जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी भी इस प्रोग्राम से काफी खुश है। उन्होंने CM को दिल्ली बुलाया है। राजधानी के ONGC में नेशनल SC ST हब की ओर से स्टेट कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव में कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह, राज्य कपड़ा मंत्री अजय टम्टा और सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित कई अधिकारियों ने शिरकत की। कार्यक्रम में SC ST उद्यमियों को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस पर चर्चा की गई। यमकेश्वर के मोहन चट्टी में SDM कमलेश मेहता की दबंगई का वीडियो सामने आया है, जहां SDM शराब ठेके का विरोध कर रहे ग्रामीणों को धमकाते नजर आ रही है। कमलेश मेहता वीडियो में धमकी देते हुए कह रहे हैं कि मैं देखता हूँ दुकान कैसे बंद करवाते हो, पूरी PAC फोर्स लगा दूंगा। रुद्रप्रयाग जिले के घोलतीर डांडा खाल रोड पर एक ऑल्टो कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों युवक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे थे। सिडगुल थाना क्षेत्र में पिछले दिनों BSF से रिटायर्ड सैनिक की हत्या पर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या के आरोप में पुलिस एक ठेकेदार सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस के मुताबिक हत्या के पीछे पैसों का विवाद था। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ऋषिकेश के ब्रह्मपुरी आश्रम के पास एक किशोर की गंगा नदी में नहाते वक्त डूबकर मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची SDRF की टीम ने गंगा नदी में रेस्क्यू चलाकर किशोर का शव बरामद कर लिया है। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में खटीमा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान एक युवक को 500 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने युवक के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। चमोली में कन्याकुमारी से आया हुआ एक पर्यटक वेदनी कुंड के पास आली बुग्याल में रास्ता भटक गया। ट्रैकिंग रूट पर भटक कर पर्यटक एक गुफा में 3 दिन 3 रात तक फंसा रहा। जानकारी मिलने पर SDRF की टीम ने पर्यटक को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। धारचूला की ओर जा रहे सेना के एक वाहन पर अचानक विस्फोट से उसमें आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि तेल का बैरल फटने से वाहन में आग लगी थी। इससे करीब 1 घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर यातायात ठप रहा। विश्व की सबसे कठिन यात्राओं में शुमार कैलाश मानसरोवर की यात्रा में पहली बार कोई पूरा परिवार यात्रा पर जा रहा है। यात्रा के तीसरे दल में हरियाणा के रहने वाले विशाल कुमार गुप्ता का दावा है कि ऐसा करने वाला उनका पहला परिवार है। यात्रा में वे पत्नी और 21 वर्षीय बेटे के साथ जा रही हैं। देवप्रयाग में लंबे समय से बूंद बूंद पानी के लिए जूझ रहे 55 गांवों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। सरकार ने 1984 से प्रस्तावित बागवान पंपिंग योजना के पुनर्निर्माण के लिए बजट का आवंटन किया है, जिसके लिए शासन ने 5,88,00,000 रुपए की पहली किस्त जारी कर दी है। NH-58 लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह गड्ढे होने से लोगों और श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर लोगों में खासा आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने शासन प्रशासन से जल्द मार्ग को दुरुस्त करने की मांग की है। रुद्रपुर में ओलंपिक डे पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन में भारी तादाद में खेल प्रेमियों के साथ ही जन प्रतिनिधियों व शहरवासियों ने दौड़ लगाई। साथ ही लोगों ने खेलों के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किया। उत्तराखंड के होनहार दीपक रमोला की शाहरुख खान के TV शो टेक टॉक इंडिया नई सोच में एंट्री। प्रदेश से पलायन रोकने के लिए दीपक ने घरों की दीवारों पर बनाई नायाब पेंटिंग।
बॉलीवुड किंग खान शाहरुख भी हुए फैंस।